अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक जो है ट्रैफिक वार्डन के साथ खड़े हैं और इनसे भी पूछते हैं कि जब ये यहाँ पे खड़े हुए रोज़ माशाल्लाह 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, लोग लॉ की वॉयलेशन करते हैं, फॉलो नहीं करते, तो सर आप बताएं जब यहाँ पे आप लोगों को रोकते हैं कि आप सिग्नल तोड़ रहे हैं या आपने वॉयलेट किया है लॉ को, आप सिग्नल ना तोड़ें या आपने डॉक्यूमेंट दिखाएँ, पेपर दिखाएँ, तो लोग आगे से आपको कैसे डील करते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारे पास आने के लिए। देखें, बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क का नज़रिया ये है कि हम 8 घंटे जब सड़क पर खड़े होते हैं तो धूप पसीना सब कुछ बर्दाश्त करते हैं सिर्फ एक आवाम के लिए। अब आवाम को हम इशारा करते हैं कि आप 2 मिनट रुकें, दूसरा हाथ कट रहे कि या सर कुछ भी है, अब वो आते हैं बीच में सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं, गुस्सा तो खैर हमें आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या है कि हमारे को सिर्फ पीना पड़ता है क्योंकि हम अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उसको प्यार से डील कर सकते हैं कि जिस तरह से हम उनसे बात करेंगे, अगर प्यार मोहब्बत से मान जाते हैं, नहीं मानते तो फिर उनके पेपर वगैरह जो कुछ हमारे। और जाहिर है ये ड्यूटी जो आप कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के एक्सीडेंट ना हो, लोगों का माली हानि की वजह से हम लोग जो है ना पूरा दिन माली और जानी नुकसान से बच सकें, बच सकें लोग। लेकिन जब आप अच्छा फिर जब लोगों से उनका बोलते हैं कि गाड़ी के पेपर दिखा दें, ड्राइविंग लाइसेंस तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होते हैं, कुछ के पास होते हैं कुछ के पास नहीं होते हैं, तो फिर जब उनसे ले लेते हैं तो फिर वो ऊपर से किसी से फ़ोन करवा देते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं, तो फिर आपको छोड़ना पड़ जाता है। फिर जाहिर सी बात है कि अफसरान हमारे जो खड़े होते हैं फिर वो जो अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर ये जो लोग कहते हैं अच्छा यार ये लोग 150 रखते हैं यार बात खत्म करो, नहीं 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 अच्छा अगर नहीं मतलब आप देखें ये पहले बातें होती थी लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है एडी साहब ने जो कोर्स हमारी तैयार करी है 2017 के बेच में सब मेरिट पर आए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से कोई ऐसा लोग नहीं है, कोई हमारा ऐसा लड़का नहीं है जिसमें देखिए रिश्वत जिसका लेता हो, अल्लाह पाक का शुक्र है। पहले आप कराची का निज़ाम देखें और आज का निज़ाम देखें, अंदरूनी दिन से जितनी भी नफरी आई है अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत से लोग हमारे अच्छे भी हैं, बहुत सब माशाल्लाह जो है। सर आप माशाल्लाह ये ड्यूटी कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल है माशाल्लाह। अच्छा आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि क्या किया जाए? एक आप भी तो सोचते हैं, जाहिर है आप यहाँ ऑन फील्ड है, हम घरों में बैठ के तजिया कर रहे होते हैं, आप फील्ड पर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को कि ये करें बराए मेहरबानी, इससे हमारे मुल्क का लॉ अच्छा हो जाएगा? देखें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सिग्नल की वॉयलेशन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिग्नल नहीं तोड़ेंगे किसी के एक्सीडेंट नहीं होंगे, जब आपके एक्सीडेंट नहीं होंगे तो आपके रोड बिल्कुल ज़बरदस्त एक जगह पे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, दूसरे लोग भी आएंगे देखेंगे कि नहीं यार बाकी अब जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा हो गया। और जो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती हमारे मुल्क में लोगों उसमें फिर हम चलान करते हैं, लोग करने देते हैं? बिल्कुल 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 करते हैं लोग। अच्छा लोग ऐसे होते हैं करते हैं, कुछ खुद भी आते हैं, कुछ इतने अच्छे लोग होते हैं नहीं सर हमारी गलती है हमने ये करे लॉ ब्रेकिंग, तो आप बिल्कुल ये हमारे NIC और हमारे डॉक्यूमेंट्स आप चलान करें। तो आपका आखिरी पैगाम ये है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी की जाए और लॉ को हमारे यहाँ रात को 11 बजे के बाद तो सिग्नल हम समझते हैं खुला है बंद है हमारा है। वो ये बंद ऐसा नहीं होता, वो यूँ होता है कि रात को ट्रैफिक का जो है वो कम हो जाता है तो सिग्नल फिर हम बंद कर देते हैं। ठीक है तो आप सर बिल्कुल हमारी जो है ड्यूटी के लिए हमारी सर्विसेज के लिए ड्यूटी पे आते हैं अपने 8 घंटे 10 घंटे, जून का महीना हो या दिसंबर का महीना हो, गर्मी हो या सर्दी हो, अपने घर के अपने मामलात और अपनी परेशानियों को एक तरफ रखते हुए हमारी ये आप सर्विसेज दे रहे होते हैं। हम सबको चाहिए कि लॉ को वॉयलेट ना करें ताकि इस किस्म के जो हादसा होते हैं आपका जिसमें आप ही का जानी और माली नुकसान होता है तो उस सब से बचने के लिए हमें अपनी लॉ को, हम बाहर के मुल्क जाते हैं लॉ फॉलो करते हैं, यहाँ पे हम ज़ेबरा क्रॉसिंग से पहले रुकना पसंद नहीं करते और हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने लॉ को। और हमारा मुल्क भाई बहुत अच्छा है अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारे जितने भी अफसरान हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मुल्क को बुरा बोला जाता है, नहीं तो उनके आप बड़े चालान काटा करें तो इंशाल्लाह वो लोग भी बिल्कुल काटते हैं, हम चालान करते हैं, ऐसा नहीं है कि अब लोगों ने सिर्फ ये नज़रिया बना लिया है कि सिंध की जो पुलिस है वो सिर्फ पैसे लेती है छोड़ देती है, पुलिस पैसे लेती है ऐसा बिल्कुल पंजाबी पुलिस के लिए मैं तला गए लोग कहते हैं वहाँ की पुलिस, देखिए पुलिस कोई बुरी नहीं होती और तो सब अच्छी है सब अच्छे हैं, लेकिन क्या है आवाम है, आवाम छुट्टी क्या करते हैं ये 500 रुपये रखें ये रखें वो रखें, आप ऐसा क्यों करने देते हैं, आवाम क्यों करती है सर? बिल्कुल सही बात है, हम तो सीधा करते हैं हम चालान करते हैं, हमारी पुलिस माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत बेहतर रही, हमारे जितने बाला अफसरान हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी और आज अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारी पुलिस बहुत बेहतर है, हद से ज़्यादा बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर। थैंक यू सो मच सर आपने हमें टाइम दिया। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.